हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद की रीडिंग स्किल को लेकर हम कहां खड़े हैं। तो हमारा टेस्ट नंबर वन मुश्तमिल है 50 वर्ड्स पे। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? 50। 50 मींस 50। तो मैं 50 अल्फाज आपके सामने अभी डिस्प्ले करूंगा, आप टाइम लीजिएगा बेशक, सोचिएगा और उसके बाद प्रोनाउंस कीजिएगा। आप भी इन अल्फाज को गौर से देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। बात हो जाएगी ना जी? तो हु दिया क्या? रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया गया। इन अल्लाह ने पैगंबर भेजे, तो जब पैगंबर आए इंसानों से उन्होंने बात की, बाकी इंसानों से जिस कौम में वो अल्लाह ताला उन्हें उठाया, तो इंसानों को क्या किया गया? रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया गया। यानी इंसानों को इंसानों को रास्ता दिखाया गया। डियरेस्ट व्यूअर्स, कुरान मजीद कैसे पढ़ा जाए, इस सिलसिला को लेकर आज हमारा डे 9 और आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद की रीडिंग स्किल को लेकर हम कहां खड़े हैं। तो हमारा टेस्ट नंबर वन मुश्तमिल है 50 वर्ड्स पे। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? 50। 50 मींस 50। तो मैं 50 अल्फाज आपके सामने अभी डिस्प्ले करूंगा, आप टाइम लीजिएगा बेशक, सोचिएगा और उसके बाद प्रोनाउंस कीजिएगा। आप भी इन अल्फाज को गौर से देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल एक वजाहत कि ना ये तजवीद सीख रहे हैं, ना मैं तजवीद पढ़ा रहा हूं, ना मैंने तजवीद सही मानों में सीखी। एक सादा, इंतहाई सादा कुरान मजीद का रीडर जो कुरान मजीद के मफाहीम, उसके मताले, उसके मानी समझना चाहता है। तो तजवीद की गलतियां, आवाजों की गलतियां याद है ना? आवाज वो से और सीन और साद याद है ना? तो हमारी इन गलतियों को थोड़ी देर के लिए माफ कर दीजिएगा। हाँ, और साथ ही ये गुजारिश एज यूजुअल कि आप दुआ कीजिए कि हम इस्लाह कर सकें, और इस इस्लाह के लिए इंशाअल्लाह अजीज हम मुसलसल राब्ते में रहेंगे दो अजीम कुर्राए किराम से, जिनका नाम है कारी साजिद वसीम साहब और कारी मोहम्मद हसन शेर साहब। हम उनकी वीडियोस गौर से देखते हैं, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं कि इन हुरूफ को प्रोनाउंस कैसे किया जाए। इंसान है, लफ्जशें हो जाएंगी, खताएं हो जाएंगी, हमारी खताओं को माफ कर दीजिए। सो लेट्स मूव टू आवर टेस्ट नंबर वन। टेस्ट वन कंप्राइजेस 50 वर्ड्स। यू आर रेडी फॉर द टेस्ट? रेडी? यस। फर्स्ट वर्ड प्लीज। हुआ। अगेन हुआ। माशाल्लाह, हम कहते हैं ना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, सुने हुए ना? यस। हुआ अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, आयतुल कुर्सी ना? यस। तो ये क्या है? हुआ। इंग्लिश में कहते हैं ना ही, कहते हैं yes. ही वो, उर्दू में कहते हैं वो, उसके लिए अरबी जुबान में लफ्ज क्या है? हुआ। कोई आदमी खड़ा हो तो हम कहते हैं अच्छा वो मर्द खड़ा है, वो मर्द है, हम हुआ रजुलुन कहते हैं ना? यस। उस्ताद खड़े हो तो हम क्या कहते हैं? हुआ मुअल्लिमुन, वो मुअल्लिम है, उस्ताद, ऐसे कहते हैं ना बेटे बेटे? अब बात समझ आई? यस। तो ये लफ्ज क्या हुआ? हुआ हुआ हुआ। आगे हुआ माशा, क्या मतलब है वो? वो क्या? वो वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही ही।
अब ये लफ्ज कुरान मजीद में बार बार आया, बात समझाइए, दोबारा पढ़िए, हुआ, माशाल्लाह। इंग्लिश, उर्दू, वो माशाल्लाह। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड वर्ड, रेडी? यस, या, माशाल्लाह, अगेन, या, शी, कहते हैं ना, यस, मेल के लिए क्या होता है, ही, फीमेल के लिए क्या होता है, शी, और उर्दू में दोनों के लफ्ज क्या है, वो, हम कहते हैं वो ज़ैनब है, ही या ज़ैनब, हाँ वो रुखसान है, तो क्या कहें, ही या रुखसान, वो रिजवान है, ही या रिदवान, ठीक है ना जी, वो मेरी अम्मी है, ही या उम्मी, बात समझ आई, वो मेरी बहन है, ही या उख्ती, तो ही या का मतलब क्या हुआ, शी, फीमेल के लिए। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में हम पढ़ेंगे, लैलतुल कद्र है ना, कुरान मजीद में सूरत है ना, सूरह अल कद्र, लैलतुल कद्र का जिक्र है ना, अल्लाह कहता है ये जो हिया, ओके, तो हिया क्या हुआ, शी, वो, ही क्या हुआ, हुआ, शी क्या हुआ, हिया, फर्क क्लियर हो गया जी, हुआ मेल के लिए, हिया फीमेल के लिए, दोनों का मतलब क्या है, वो, इंग्लिश में क्या है, जी और शी, ही क्या हुआ, हुआ, शी क्या हुआ, हिया, माशाल्लाह, कितने लफ्ज हो गए, दो, कितने, दो, माशाल्लाह, वहाबा, माशाल्लाह, कहते ना अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, अल्लाह ने मुझे ये नाम दिया, कहते ना, यस, तो जो देने वाला होते हम कहते हैं वहाब, ये अल्लाह का नाम है, वहाब, बहुत ज्यादा देने वाला, अल्लाह देते ना, अल्लाह कहते हैं यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा, यहबु लिमन यशाउ इनाथा, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनाथा, व यजअलु मन यशाउ अकीमा, कुरान कहता है अल्लाह कहते हैं जैसे अल्लाह जैसे चाहे बच्चे दे, जैसे चाहे बच्चियां दे, जिसे चाहे बच्चे भी दे और बच्चियां भी दे, जिसे चाहे कुछ भी ना दे, ये देना जो होता है ना, देना, देने वाला, तो देने वाला हुआ वहाब, क्या होता है, वहाब, वहाब, एक दो दफा पढ़ना है, ये पढ़ेंगे शायद हमारा लेसन इंशाल्लाह अच्छा अच्छा जल्द आने वाला है, वहाब, क्या, वहाब, शाबाश, क्या मतलब, देने वाला, देने वाला, देना होता है ना, उसके लिए हमारे पास एक लफ्ज क्या होता है, वहाबा, वहाबा, उसने दिया, ये उसने दिया, बात समझ, तो कुरान मजीद में ये लफ्ज कैसे है कि अल्लाह ने दिया, क्या दिया, अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह ने बेटी दी, अल्लाह ने बेटा भी दिया और बेटी भी दी, बात समझ, तो क्योंकि वो उसने दे दिया है, वो देने वाला है, तो उसके लिए अरबी में एक और लफ्ज कुरान मजीद में वहाब, ठीक है जी, बहुत ज्यादा देने वाला, और वहाब का मतलब क्या हुआ, उसने दिया, क्या, उसने दिया, शाबाश, क्लियर होगी बात जी, कितने लफ्ज हो गए तीन जी, हुदिया, माशाल्लाह, हुदिया, 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 क्या मतलब, देखो कल गौर करना, कल आपके मामू आए, मामू अब्दुल फीस जी, उन्होंने रास्ता पूछा किसी से, पूछा ना रास्ता, तो उन्हें बताया गया, अच्छा अच्छा ये साथ वाला घर है, बताया गया ना, उन्हें दिखाया गया कि ये वाला घर है, मुद्दी को रमान गया रिसीव करने के लिए, अच्छा अच्छा ये घर है, तो वो किसे बताया गया, अब्दुल हफीज को, तो अब्दुल हफीज को क्या किया गया, हुदिया, रास्ता दिखाया गया, ठीक है ना, गाइड किया गया, रहनुमाई की गई, बात समझेगी ना जी, तो हुदिया क्या, रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया गया, इन अल्लाह ने पैगंबर भेजे, तो जब पैगंबर आए इंसानों से उन्होंने बात की, बाकी इंसानों से जिस कौम में वो अल्लाह ताला ने उन्हें उठाया, तो इंसानों को क्या किया गया, रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया गया, यानी इंसानों को हुदिया, हुदियन्नास, इंसानों को रास्ता दिखाया गया, ठीक, अल्लाह ने किताब भेज दी, तौरात भेज दी, जबूर भेज दी, और अल्लाह ने किताबें भेजी, कुरान मजीद भेज दिया, इसलिए लोगों को रास्ता दिखाया गया, कुरान भेजकर लोगों को रास्ता दिखाया गया, बाइबल भेजकर लोगों को रास्ता दिखाया गया, इस तरह तौरात भेज के लोगों को रास्ता दिखाया गया, पैगंबर भेज के लोगों को रास्ता दिखाया गया, ये जो रास्ता दिखाया गया इसे क्या कहते हैं अरबी में, हुदिया,
बात समझ आएगी मेरे बेटे? कितने लफ्ज हो गए? चार। चार। गिलाम है जी। लहुआ। माशाल्लाह। अब ये बिल्कुल वही वाला पहला लफ्ज है जैसे हुआ, लेकिन इससे पहले क्या आ गया? लहुआ। लहुआ हम कहते हैं। हाँ वही वही बिल्कुल वही। कहते हैं यार मैंने कल एक आदमी देखा, ऐसे से था जी, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही उसके चेहरा ऐसा था फला फला। वो बंदे कहते हैं यार वो तो मैंने देखा उसका रंग। हाँ जी बिल्कुल मैंने भी वही देखा। वही वही कहते हैं ना जी। वही 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 बिल्कुल। इसके अरबी लफ्ज क्या होते हैं? लहुआ। ला ला का मतलब होता है जब ताकीद करनी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंजे गाल है, बिल्कुल इंजे गाल है भाई। तो सही ला बात है नहीं? जी ला नहीं कहते ला ला सिर्फ ला। लहुवा लहुवा बिल्कुल वही है। अब मुझे पता है वहां कौन है? लहुवल्लाह। रिस्क वो अल्लाह ही है सिर्फ जो देने वाला है। बच्चे देने वाला कौन अल्लाह है? हाँ तो क्या कहते जब अल्लाह के लहुवा सिर्फ वही अल्लाह ही है। बात समझे नहीं मेरे जी बेटे? मौत देने वाला, जिंदगी देने वाला, खुशियां देने वाला, आजमाइश देने वाला, इनाम देने वाला है ना, जी इस कायनात को बनाने वाला धमकी वो अल्लाह ही है भाई। वो अल्लाह ही है कहते हैं वही अल्लाह। वही बिल्कुल अल्लाह ही है। तो उसके लफ्ज क्या होते हैं? लहुआ। पर याद रहेगा जी ही और हुआ और लहुआ में हुआ जी का मतलब क्या? वो वो लहुआ बिल्कुल वही है। इस तरह लहिया वही वो इसी तरह का बिल्कुल वही है जी। बात सारी। हाँ साढ़े घरों चोरी की थी फत तो हा, साढ़े घरों भी सुनानी चोरी की थी, मैं ना तो नहीं पता लेकिन हजार उम्र इतनी उम्र रहे हो संजर कपड़े पाए हो उसमें वेखी चोरी करके नसी बन गई मैं पीछे भजिया बड़ा पर नस गई हजार दुपट्टा हो जुती हजार हो। हाँ हाँ बिल्कुल हो भाई। बस तो क्या लहिया लहिया खातून आ गई ना ही जी लहिया लहुआ ठीक होगी बात? कितने लफ्जों के बारे? पांच। पांच तुर गए यार दिलां दे जानी वतनु चुक मुहारा उजड़ी बस्ती यारो नजरी आवे कंड कीती जद यारा।